हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो प्राइस मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगातार गिरावट भी देखने को मिलती है। एंड यदि हम फ्राइडे की ही बात करें तो फ्राइडे को 4.35% की गिरावट के साथ फ्यूचर कंज्यूमर एक रुपए के अराउंड 1.10 रुपए पर बंद होने को दिखा है। वैसे हम पूरा लेटेस्ट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा कि यहाँ पे गिरावट आखिर क्यों हो रही है एंड कब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप एक मोटा मुनाफा कमा सकें। साथ साथ यदि हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो अभी वो 220 करोड़ जाके पहुंच चुका है, जो यहाँ पे एक समय 500 करोड़ के ऊपर रहा करता था। करंट प्राइस 1.10 रुपए के अराउंड होने के साथ साथ इसकी जो बुक वैल्यू वो भी नेगेटिव में चल रही है। एंड उसी के साथ कंपनी का जो हाई है वो 7.61 रुपए के साथ है। एंड कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में लगातार गिरावट के कारण अभी अपना लो बनाया 1.10 रुपए का। तो हम यहाँ पे वीडियो में जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका मुख्य मकसद है कि शेयर अपने 52 वीक लो के करीब है एंड यहाँ पे कब अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी, जब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनको यहाँ पे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीजन है वो फेस वैल्यू का है कंपनी की, जबकि फेस वैल्यू 6 की दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पे एक अच्छी फंडामेंटल सीट्स के साथ हमें ये शेयर मिलता है। उसके साथ यदि हम बात करें यहाँ पे गिरावट की, तो एक साल में लगातार शेयर में गिरावट होने को देखने को मिली। जो शेयर यहाँ पे चलता था 5-6 रुपए के ऊपर चलता था, वो शेयर में लगातार गिरावट हुई एंड अभी 1.10 रुपए के अराउंड जा पहुंचा है। उसके साथ कंपनी के यदि प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो कंपनी डेट फ्री मानी जाती है, यहां पे कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है एंड हैवी तो वो बहुत कम है, यहां पे प्रोज में साफ साफ लिखा भी है। उसके साथ कंपनी अच्छे रिजल्ट्स देने में एक्सपायर्ड है एंड उसी के साथ यदि हम बात करें तो डेप्टर डेज में लगभग 1/3 की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो यहां पे 100 डेज रहा करते थे वो अभी 37 डेज पे जाके पहुंच चुके हैं। कुछ कंपनी के कॉन्स होने के साथ साथ इन पे अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है 3.49% की होल्डिंग के साथ। एक कौन से एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहां पे सामने देखने को मिलता है। उसी के साथ यदि हम बात करें कॉन्जुगेंट लायबिलिटीज की, तो वो बहुत ज्यादा है, 290 करोड़ की कॉन्जुगेंट लायबिलिटीज शेयर की पहुंच चुके हैं, जबकि शेयर का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन ही इस लायबिलिटीज के कम है, क्योंकि यदि आप देखें तो देनदारियां 290 करोड़ की हैं जबकि कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 220 करोड़ है, जबकि लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से यहाँ पर कंपनी में अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यदि कंपनी कल के दिन दिवालिया भी होगी तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी देनदारियाँ इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है, तो कंपनी अपना ऋण चुकाने में अक्षम होगी एंड आप सभी की जो वैल्यू वो भी देने में यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर परेशानियाँ कंपनी में चल रही हैं। और भी यदि हम कुछ चीज़ों की यहाँ पर गौर करें तो हमें डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि अपनी जो सेल्स निकाल के दे रही है सितंबर 2022 तक की, यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट डाटाज हैं, तो यहाँ पे 100 करोड़ की सेल्स है। एंड यदि आप सेल्स भी देखें तो लगातार 4 से 5 क्वार्टरों से इसकी जो सेल्स है वो लगातार डिक्रीज होने को दिख रही है। एक समय पहले सितंबर 2019 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 1100 करोड़ के ऊपर थी, देन यदि आप सितंबर 2021 में आते आते देखें तो वो 450 करोड़ की देखने को मिली। उसके बाद दिसंबर में लगातार गिरावट हुई 451 करोड़, उसके बाद मार्च 2022 में वो 263 करोड़ की देखने को मिली सेल्स, उसके बाद फिर 104 करोड़, देन अभी यदि हम देखें क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में तो वो सेल्स गिरते गिरते 100 करोड़ के अराउंड आ पहुंचे, जबकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो 115 करोड़ के हैं। जबकि आप समझ पा रहे हैं सेल्स ओनली 100 करोड़ है एंड कंपनी के जो खर्चे हैं वो 115 करोड़ है, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा वो कोई भी प्रॉफिट नहीं, कंपनी लॉसेस में 15 करोड़ के लॉसेस के साथ चल रही है। इसके साथ यदि हम नेट लॉसेस की कंपनी की बात करें तो कंपनी को जो नेट लॉसेस है वो अभी लगभग 142 करोड़ के जा पहुंचे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में ओनली 95 करोड़ के थे, तो 95 करोड़ के लॉसेस कंपनी के इस समय 142 करोड़ के पहुंच चुके हैं। तो जरूर यहाँ पर जो भी लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें इस शेयर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके पास पहले से उनके पोर्टफोलियो में फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड बना है, तो उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि कंपनी की जो ईयरली सेल्स है वो तो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलती है, 1469 करोड़ की सेल्स हमें ईयरली बेसिस पर देखने को मिली, जो लास्ट ईयर के बेसिस पर यहाँ पर 300 करोड़ की ज़्यादा की देखने को मिलती है, क्योंकि मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 1185 करोड़ थी, देन यदि अभी देखें तो वो 1469 करोड़ की देखें, तो 300 करोड़ का यहाँ पर मोटा माटी प्रॉफिट है सेल्स के मार्जिन से लास्ट एक साल के बेसिस पर। लेकिन यदि आप कहीं ना कहीं TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा देखें, क्योंकि लास्ट 12 मंथ को हम TTM से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो लास्ट ईयर कंपनी ने सेल्स जनरेट की थी उससे लगभग 500 करोड़ की सेल्स कम अभी जनरेट कर पाई है कंपनी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डिफॉल्ट पॉइंट है। उसके साथ यदि हम बात करें कुछ और बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करें, तो कंपनी का EPS जो अर्निंग पर शेयर होता है 3 रुपए 15
15 पैसे नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, मतलब लॉस हो रहा है पर शेयर में 3 रुपए का, अभी कंपनी को लॉसेस चल रहे हैं। उसी के साथ कई सारे इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे कमजोर ही देखने को मिलते हैं। स्टॉक प्राइस यदि CAGR की बात करें तो वो लास्ट 1 ईयर में 85% के साथ माइनस हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी लास्ट 1 ईयर में 101% के साथ कम हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे नए लोगों को बिल्कुल इस शेयर को लेके अवॉइड करने की कहता हूँ, एंड यहाँ पे बोलता हूँ कि वो जो नए लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस शेयर से दूर ही रहे। कुछ लोगों के पास पहले से है तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बार इसमें वी शेप रिकवरी आएगी, जब भी इस शेयर में आप देखते रहिए वी शेप रिकवरी आए, हो सकता है Q3 के रिजल्ट के साथ आए, वी शेप रिकवरी आती है तो वहाँ पर आप बाहर निकल सकते हैं जरूर। आपको कई सारे शेयर मार्केट में मौजूद है, लगभग 2500 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड हैं VSE और NSE में, तो आप और अन्य शेयरों के साथ जाते जा सकते हैं। बकाया यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।